चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। गन्ना जो है यहाँ पे मुख्य समस्या गन्ना भुगतान पूरे शामली जिले की सबसे पिछड़ा जिला गन्ना भुगतान में। न तो जाकतू की फीस जा रही, न खान को राशन है घर में, जब क्रांतिकारी पैदा होंगे। हमारे तो हमारे चौधरी साहब चरण सिंह बना के थे और वो वही परंपरा पर चल रहे थे, किसान भी और जवान भी, और वही है सरकार बैठे, उद्योगपति बैठे, ये सब खत्म करने चले। सीसीए में आपका स्वागत है और आज हम जिला शामली के ऊन सुगर मिल पर है जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का धरना चल रहा है गन्ना भुगतान को लेकर, बाकी किसानों की मांगों को लेकर। किसान यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, किसान हैं, और किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसान किस तरह से परेशान है, कितनी दिक्कतों में है, जो धरने देने पर मजबूर है। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय चौधरी है भैया, अजय पिंडोरा। आज ये धरना की चीज़ को लेकर है? ये धरना जो है यहाँ पे मुख्य समस्या गन्ना भुगतान पूरे शामली जिले की सबसे पिछड़ा है जिला गन्ना भुगतान में, किसानों की जान निकल गई। तो मुख्य मुद्दा एक तो यहाँ पे गन्ना भुगतान है, और एक आप मैं हमारे इंद्र साथी से कहूँगा एक बार रास्ता भी दिखा दो भाई, रास्ता जरूर। ये दो समस्याएं इतनी भयानक हैं, अगर ये समस्या का समाधान ना हो तो यू धरना जो है अब तो सांकेतिक है, यू अनिश्चितकालीन में बदलने और जा रहा है अभी। आपका क्या नाम है सर? रजत। आज किसान किस तरह की दिक्कतों में है, धरना देने पर मजबूर हो गए, आपको क्या लगता है कितनी दिक्कतें अभी हो रही है, जैसे भुगतान की समस्या है, सड़क की समस्या लोग बता रहे हैं? भाई देखो, एक तो ये हमारा रास्ता है, इस पर वो आना हुए, किसी का बेचारे का टायर पट जा, किसी का धुरा टूट गया, सौ डाली समस्या, बरसात में यहाँ गोडू गोडू पानी भर जा, किसान अपना गन्ना कहाँ को लेकर जाएगा? दूसरी बात, यूँ पीछे लेकर नहीं देता किसी के भी, न तो जाकतू की फीस जा रही, न खान को राशन है घर में, जब क्रांतिकारी पैदा होंगे। किस तरह की स्थिति है गन्ना भुगतान की शामिल? बस घनी बेकार स्थिति हो रही गन्ना भुगतान की, तो जो सही होती स्थिति तो यहाँ बैठे जो लोग आ गए क्या इतनी गर्मी में, बता भाई, ना ही पेमेंट कर रहा, ना ही रुपये पर ठहरा घंटे गुंडे के, दवा इस पर लेने चले जाओ, मन पूरी पर्ची और अपनी सोची है, या ट्रॉली की हो या बुग्गी की हो, वा पूरी एक ट्रॉली की पर्ची में एक सी दवा देगा, एक दो पिट्टी सी पकड़ा हुआ है, कला बाजा लेगा वह और के अपना अपनी, तो वो भी लोकल दवा बिल्कुल खत्म दवा दे बिल्कुल, तो घेर लो भाई, अपनी तो भी दे सोने के भाव, और मारे लेता भी पित्तल के भाव भी, चांदी के भाव भी। कितने दिन का भुगतान रुका हुआ है किसानों का भाई? सारा ही रुक रहा अभी दिक्कत, जनवरी लोग आया, तीन महीने का पेमेंट रुक रहा है, पूरा पेमेंट पूरा रुक रहा है भाई, पूरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। स्थिति क्या है किसान की जमीन? स्थिति यह है किसान की, फसल को तो कीड़ा खा गया, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, डॉक्टर के पूरे नहीं पट रहे, बीमारी का भी इलाज नहीं करवा पा रहे अपने ढंग से, बताओ किसान की स्थिति इतनी है, वो जहर खा के मरने की तादार पे है। नारे तो हमारे चौधरी साहब चरण सिंह बना के थे और वो वही परंपरा पर चल रहे थे, किसान भी और जवान भी, और वही है सरकार बैठे, उद्योगपति बैठे, ये सब खत्म करने चले। तुमने तो बताओ बड़े भाई, कोई छोटा के अपना अग्निवीर पर पूछा, मैं अग्निवीर पर जवाब अपना अग्निवीर पर पूछा, ये पहले दो साल तो ट्रेनिंग मिली कट जाएंगे, एक साल की वो नौकरी करेगा, फिर लमडे के रिश्ते वाले आएंगे कहेंगे अब जी तीन साल की तो बोली, एक साल ले रहा, क्या लगा हम नहीं करते, वही होना कि नहीं होना। अच्छा एक और बताओ भाई, वो काम हो भाई, ये बीजेपी को लेकर आए यहाँ का किसान, सभी वर्ग लेकर आए, उसमें कोई भी बिरादरी है, सभी ने वोट दिया किसान एक अलग, और हमारे जो इनसे पहले लक्ष्मी नारायण चौधरी जिससे पहले गन्ना मंत्री थे, वे भी इसी पार्क में 14 दिन का वादा करके गए थे, यूपी मतलब इनकी जो यूपी सरकार का जो पार्ट वन था, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं मिला, और शायद ऐसा भी हो सका था, ऐसा भी हो सका था अगर वे यहाँ पर ध्यान देते तो शायद उनको हार का नाम उतना देखना पड़ता, अब इतना पेस्टिसाइड वो यूज कर रहा, पता नहीं कैसे कैसे करके बेचारा असली नकली जो भी मिल रहा उसको वही गिर रहा, क्षेत्र की सारी स्थिति जाकर देखो, सब गन्ना खत्म हो गया, किसान के पास पैसा नहीं है, अगर उसका बच्चा बीमार हो गया, स्कूल से उनके छोटे छोटे बच्चे वापिस आ रहे हैं कि पैसा, तो किसान को आत्महत्या करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, किसान की मुख्य फसल यहाँ की गन्ने की है, और मैं तो ये कहना चाहूँ जो यहाँ की सरकार है, सरकार राजा होती है, उसे यहाँ का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाह योगी आदित्यनाथ ने, नहीं देंगे तो कल किसी और की सरकार थी, आज किसी और, कल कोई और होगा, बस हमारा तो यही कहना है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में थे जिला शामली में, जहाँ पर ये ऊन सुगर मिल है, जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने धरना दिया है, और यहाँ पर किसानों का कहना है कि
गन्ना भुगतान की वजह से और सड़क और रास्ते ना बनने की वजह से किसान बहुत परेशान है और अपनी मांगों को लेकर शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। जुड़े रहे शीशे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।